सावरकर पर देश भर चर्चा चल रही है। बहनों और भाइयों, जब भी ब्राह्मण आर्यभट्ट ब्राह्मणवादियों के खिलाफ या उनके नेता के खिलाफ हम बात करते हैं तो सब देश में दंगे होते हैं, अशांतता फैलती है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा सावरकर ने माफी मांगी है, वो माफी मांगता है। उन्होंने उनके 8 पत्र है ब्रिटिशों को दिए हुए हैं, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। सावरकर को लंदन में बलात्कार के केस में शिक्षा हुई है और वो भी शिक्षा उन्होंने कोर्ट में कबूला, गुना कबूला था इसलिए शिक्षा हुई है। तो जो भी ब्राह्मण पुरुष की खिलाफ बोलता है तो ये लोग ऐसा ही माहौल उठाते हैं। राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए, किसी ने माफी मांगने की जरूरत नहीं। जेल में भी वो उनको कंसेशन दिए थे, उन्होंने माफी मांगी थी इसलिए वो बाहर आए और हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया। उन्होंने कहा ब्रिटिशों से लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे आप दुश्मन हमारे ही राज देश में है। कौन है? मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, तो उनको मारना चाहिए। कैसा मारना चाहिए? तो उनके जो बहने हैं, माताएं हैं, जो गर्भ है, उनका पेट फाड़ के उनके बच्चे बाहर निकालना चाहिए और मारना चाहिए। ये उनकी फिलोसफी थी, आइडियोलॉजी थी। सावरकर जैसा नतद्रष्ट नेता, बहुजन समाज के देश के विरोध में काम करने वाला नेता, केवल ब्राह्मण है उसके लिए उसको अच्छा कहा जाता है, तो हम कितने दिन ये सहेंगे? सावरकर की इतिहास इतना काला है कि वो बोले समुद्र में उड़ी मारी, अरे 10 फुट भी नहीं था किनारा। आप सब बात जानते नहीं कि ये झूठ का बतंगड़ बनाते हैं ना। उसको किसी ने स्वतंत्र वीर सावरकर की पदवी दी है, वो खुद ही खुद को वीर कहता है, रात दिन झूठ बोलता है। उनका पीए लिबे करके उन्होंने लिखा है उनके बारे में कि इतना झूठा आदमी कभी देखा नहीं मैंने, उनका पीए लिखता है। हमारे मदन पाटिल है, उन्होंने आप अकथित सावरकर लिखा है, पढ़ो। और भी कई सावरकर के बारे में किताबें आई है, वो सब कहते हैं कि सावरकर इतना झूठ, नीत, नतद्रष्ट, नीच, नतद्रष्ट आदमी कोई नहीं था। इसलिए इसके ऊपर बवाल मत करो, ये ऐसा होता है। कल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने देश के इकोनॉमी पर, देश के साथ जो धोखा हुआ उसके ऊपर भाषण किया, लेकिन उसके ऊपर पानी फिरने के लिए सावरकर बाहर लाया है। सावरकर के बारे में किसी ने बोलने की, बिल्कुल खिलाफ बोलने में कोई भी किसी ने भी डरने की जरूरत नहीं। सावरकर के या और किसी, टेलर खुद कहते थे हमें इंग्रज चाहिए, वो अगर चाहते थे हम इंग्रज चाहिए, संविधान जहरीला है, संविधान जहरीला बीज है, तो हम किसकी परवाह करेंगे? तो मैं आपको विनती करता हूं कि सावरकर के खिलाफ कितना भी बोले तो कम है। जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।